नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। मशहूर गायिका और स्वर कोकिला लता मंगेशकर इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आज वो बेशक हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी जादुई आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। अपने गानों के अलावा लता मंगेशकर की निजी जिंदगी भी काफ़ी चर्चा में रहती थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर ने शादी नहीं की। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि लता मंगेशकर ने कभी शादी क्यों नहीं की। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद इतने मिलनसार व्यक्तित्व वाली लता जीवन भर अविवाहित क्यों रहीं? उनके शादी नहीं करने के पीछे कई तरह की बातें बताई जाती हैं, लेकिन एक बार लता मंगेशकर ने शादी न करने का खुलासा खुद किया था। एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने खुलासा किया था कि उन्होंने अपने भाई बहन और परिवार की जिम्मेदारी की वजह से शादी नहीं की। लता दीदी ने बताया कि मैं घर में सबसे बड़ी थी और पिता की मौत के कारण मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मेरे से छोटे 5 भाई बहन जिन्हें मुझे संभालना था, इसलिए मैंने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। बता दें कि लता मंगेशकर के कुल 4 बहनें और 1 भाई हैं, जिनमें लता मंगेशकर सबसे बड़ी हैं। लता से छोटी आशा, फिर उषा मंगेशकर, भाई हृदयनाथ और मीना मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ में सैकड़ों प्यार भरे गीत गाए, उन्होंने अपना पूरा जीवन अकेले ही गुजार दिया। पिछले 7 दशकों से करोड़ों दिलों पर अपने सुरीली आवाज़ के बलबूते राज कर रही लता मंगेशकर ने अब तक 30 भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए। पिता के देहांत के बाद जब परिवार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, तब लता मंगेशकर ने मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी किए, लेकिन उन्हें उनकी गायकी ने ही दुनिया भर में पहचान दिलाई। खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।